आप दिल्ली कैसे आए और कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली कैसे आया और इतना भी मालूम नहीं है। दो लड़का लेके आया था और 6-7 साल ही हो गए। आप कितने साल की है? मैं 21 साल का हूँ। और कहाँ से हैं आप? नेपाल से। तो वो क्या आपको जोजा बस से लाए थे? हाँ जी। और फिर यहाँ लाके फिर कहाँ ले गए आपको? हमको 64 जो जीबी रोड में ले गए। आप कैसे निकली फिर वहाँ से? अभी मैं अपना भाग गए। पैसे अर्न होते थे जैसे आपने बताया कि वो पैसे आपको रखने दे नहीं देते थे? नहीं देते हैं हमको। थोड़ा 10-20 रुपए किसी ने देता था। हम वो भी खाने के लिए अपना साथ रखती हूँ। वो भी वो सब आगे सब यूज कर लेते हैं। सब जगह में ढूंढ लेते हो। और मेरे को नेपाल से लेके आया और 15-16 साल की थी मैं। मैं बोला मेरे को बिना बता के लेके आया तो मैं कैसे करूँ ये काम, मैं नहीं करने। वो भी बताया था मैंने। उसके बाद मार पीट क्यों कैसे करते हैं। वो लकड़ी था, वो लकड़ी से हमको मारता भी था। हम भाग जाता था फिर भी किधर भी जाके उसने मारता था हमको। 6-7 साल में गांव में बात करने भी किसी से कुछ करने भी नहीं देता था। वो सुबह आता था शाम को चले जाता था। वो क्या करते क्या नहीं करते कुछ नहीं पूछते, सिर्फ वो पैसे का लालच में रहते हैं। तो मालकिन का नाम क्या है, जो मेन मालकिन है? मालकिन का नाम तो छाया है। कि अगर पीरियड चल रहा हो तो उस टाइम भी करना हो, उस टाइम में भी करना पड़ता है, छोड़ता नहीं है। उसमें और भी लड़कियां थी छोटी छोटी? और भी सब लड़की था, हमको इतना नहीं पता था ये करो वो करने के लिए। हमको इतना भी नहीं पता था। हम सब बहुत डर से रहना पड़ता था उस टाइम। अभी आपने अपनी एक सहेली जो कोठे में फंसी हुई थी उनको भी आपने हेल्प किया निकालने में, जरा उसके हाँ बारे में थोड़ा बताएंगे कैसे आपने मदद किया, कैसे वो आप तक पहुंची? मैं सोचा मैं किसी को मेरे जैसे किसी को ना हो, ऐसा मजबूरी ना हो, ऐसे मैं सोचता था। मेरे से कोई भी नेपाल से जो मेरे सहेली लोग कोई भी आएगा ना वो लोग का ऐसा मेरा जैसा ना हो। अभी मैंने बोला ठीक है आपको मैं जैसे भी हेल्प करूँगी, तू डरना मत। वो बोला ठीक है मैं नहीं डरूंगी, आप साथ में हैं तो मैं नहीं डरूंगा। मैंने बोला मैं तो अपना चला गया, मेरे को कोई साथ नहीं दिया, आपको मैं जैसे भी साथ देगा।